भी सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मुझे तो किसी फ्लैट के अंदर होना चाहिए था। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, पता है, इतना जबरदस्त फैसिलिटीज वाला फ्लैट कि पूछे मत। आज मैं आप सभी को वेगस मॉल की तरफ लेके आई हूँ। ये आपका प्रॉपर वेगस मॉल होने वाला है, द्वारका के अंदर आपके लिए लग्जूरियस 3 BHK 2 BHK फ्लैट, वो भी वेगस मॉल से सिर्फ और सिर्फ 400 से 500 मीटर के डिस्टेंस पे। बहुत ही अमेजिंग फ्लैट रहने वाला है, वेगस मॉल आपको इतने पास में मिल रहा है। और जैसे कि आप सभी जानते होंगे, इसके अंदर आपको PVR मिल जाता है, सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स मिलते हैं, और ये द्वारका का सबसे नंबर वन मॉल आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो इतने पास में हम आपके लिए फ्लैट लेकर आए हैं, जस्ट इसके पीछे ही फ्लैट आपको मिलने वाला है। तो मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और सेकंड थिंग, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। तो सेकंड है आपका डिस्ट्रिक्ट पार्क जो आपको मिलने वाला है। तो चलिए पहले हम चलते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट पार्क पे। फर्स्ट आपने वेगस मॉल देख लिया, ये आपकी सेकंड चीज़ रहने वाली है जो है डिस्ट्रिक्ट पार्क, जो आपके फ्लैट से मुश्किल से 400 से 500 मीटर के डिस्टेंस में मिलने वाला है। बहुत अमेजिंग पार्क है, इतना ज़्यादा बड़ा पार्क है कि अगर आपको मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करने का शौक है तो आप शौक यहाँ पे आराम से पूरा होने वाला है। उधर आपको बच्चों के खेलने के लिए पार्क मिल जाता है, बहुत ही अमेजिंग से सारी की सारी फैसिलिटीज आपको इस पार्क में मिल जाएगी। बहुत अमेजिंग और बहुत बड़ा पार्क है, वो भी आपके फ्लैट से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो चलिए मेरे साथ, अब बारी है आपके फ्लैट देखने की। सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं शिल्पी श्रीवास्तव फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत अमेजिंग 3 BHK फ्लैट। जैसा कि आपने देखा, कितनी सारी फैसिलिटीज़ के साथ आपको मिल रहा था, आपको पास में ही वेगस मॉल मुश्किल से 400 से 500 मीटर के डिस्टेंस पे, जस्ट उसके अपोजिट साइड आपको मिल जाता है डिस्ट्रिक्ट पार्क। अगर आपके घर में बड़े बूढ़े बच्चे हैं, उनको मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक, बच्चों को पार्क चाहिए खेलने कूदने के लिए और साथ में जिम भी, तो उस पार्क में आपको ये सारी फैसिलिटीज़ मिलने वाली है। और वेगस मॉल में तो सारी इंटरनेशनल ब्रांड्स मिलते हैं, PVR है, सारी फैसिलिटीज़ है। और सबसे बड़ी बात, इस्कॉन टेम्पल वॉकिंग डिस्टेंस पे मिलने वाला है, मुश्किल से 400 से 500 डिस्टेंस मीटर का डिस्टेंस रहने वाला है बस। और साथ में मैं आपको बता दूं, सोसाइटी फ्लैट है, जी हाँ सोसाइटी फ्लैट है। तो आज मैं आपके लिए 100 गज में बना हुआ 3 BHK फ्लैट लाई हूँ जो इतनी सारी फैसिलिटीज़ के साथ आपको मिल रहा है। सीरियसली बहुत अमेजिंग ब्यूटीफुल फ्लैट है, सोसाइटी बहुत अच्छी है, डेवलप हो रही है, बहुत ही अमेजिंग सी लोकेशन पे आपको द्वारका सेक्टर 14 के पास मिल रहा है। सोसाइटी फ्लैट होने के कारण आपको सेफ्टी की भी पूरी तरीके से आपको श्योरिटी दी जाती है। बहुत ही अमेजिंग और ज़बरदस्त फ्लैट आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए और मैं आपको दिखाती हूँ ये ब्यूटीफुल 3 BHK फ्लैट स्टार्टिंग से। तो यहाँ से लेते हैं हम एंट्री, और एंट्री करते ही आ जाता है आपका ये ब्यूटीफुल सा लिविंग एरिया। जैसे कि मैंने आपको बताया, 100 गज में बना हुआ 3 BHK फ्लैट है, जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। और सारी फैसिलिटीज़ बताई, जैसा कि आपको वेगस मॉल के पास मिल रहा है, डिस्ट्रिक्ट पार्क है पास में, और इस्कॉन टेम्पल और मेट्रो स्टेशन सेक्टर 14 आपको वो भी वॉकिंग डिस्टेंस में मिलने वाला है। सोसाइटी फ्लैट है, इसके कारण आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलने वाली है इस फ्लैट में। तो ये एंट्री करते ही आ जाता है आपका लिविंग एरिया, जिसका इंटीरियर बहुत ज़्यादा अमेजिंग तरीके से डिज़ाइन किया गया है। तो आपकी जो फ्लोरिंग है बहुत अमेजिंग रहने वाली है, और इसके ऊपर पैटर्न भी आपको मिल जाता है। देन ऊपर आते ही आ जाता है आपका ये सिटिंग एरिया, जहां हमने एल शेप का सोफ़ा लगा के आपको दिया है सेंटर टेबल के साथ। बहुत ही खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन के साथ हमने सोफ़ा लगाया है, सेंटर टेबल और 2 पफ भी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। देन उसके बाद अगर आपके फ्रंट वॉल की बात करें, तो इस साइड आपको ये हॉर्स मिल रहा है, हॉर्स का ये बहुत ब्यूटीफुल सा आपको एक पैटर्न मिल जाता है। और हमें सुना भी ऐसा कि 7 हॉर्स घर में बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, तो हमने यहाँ आपको ब्यूटीफुल पैटर्न के साथ ये अमेजिंग सा खूबसूरत सा इंटीरियर दिया है। अगर यहाँ देखोगे तो हमने पहली लाइनिंग आपकी कॉपर की रखी है, सेकंड हम आपको मार्बल लगा के दे रहे हैं, मार्बल दोनों मार्बल के बीच में हमने प्रोफाइल LED लाइट लगाई है। देन अगेन हमने प्रोफाइल LED लाइट का काम करके आपको यहाँ पे कॉपर वर्क दिया है, और ये बीच में आपको ब्यूटीफुल सा शोपीस दिया है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा अमेजिंग आपका लिविंग एरिया लग रहा है। फिर हम बैक वॉल की बात करें, तो यहाँ पे भी आपको बहुत ही खूबसूरत मार्बलिश लुक में आपको टाइल्स मिल जाता है, बहुत ही खूबसूरत सा इसके ऊपर पैटर्न बनाया गया है, जो शायद कैमरा में ना दिखे आपको, रियल में ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ब्यूटीफुल सा पैटर्न आपको यहाँ पे दिया गया है। और साथ में इस साइड आपको दे देते हैं एक वुड का पैनल हम, जहाँ पे हमने प्रोफाइल LED लाइट लगाया है। इस साइड आपका TV पैनल आ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा और स्पेशियस है। तो नीचे आपको ओपन सेल्फ और ड्रॉल भी मिल रहा है, उसके ऊपर हमने व्हाइट कलर का आपको TV यूनिट दिया है, जहाँ पे आप 70-75 इंच का TV आराम से लगा सकते हैं। दोनों तरफ हमने शोरेक बना के दिया है आपको
मिरर के पार्टीशन के साथ, जहाँ आप अपने सोफिस वगैरह रख सकते हैं, अपने टीवी पैनल को डेकोरेट कर सकते हैं। ऊपर हमने फोकस लाइट लगा के दिया है, इस ओपन सेल्फ में हमने फोकस लाइट आपको लगा के दिया है, और जो साइज़ है आपके टीवी पैनल का वो बहुत ज़्यादा बड़ा रहने वाला है। आप आराम से यहाँ टीवी लगा सकते हैं, मिनी थिएटर अपना आराम से इजली बना सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम इस साइड आते हैं तो इस साइड पहले तो आपको कॉमन वॉशरूम आ जाता है, और इस वाले वॉल पे हमने आर्टिफिशियल काम किया है, ग्रास का काम किया है, यहाँ पे प्रॉपर आर्टिफिशियल ग्रास लगाया गया है। यह हमने छोटा सा पेंटिंग आपको दिया है, और ये आपका किचन और आपके लिविंग एरिया का पार्टीशन है। जी हाँ, ये हमने पार्टीशन आपको दे दिया है, जहाँ हमने बहुत खूबसूरत से आपको एसेसरीज लगा के दी है, जैसे कि आप देख रहे हो शोपीस वगैरह लगा रखा है, कोपर का वर्क किया गया है, फोकस लाइट है, और ब्राउन एंड व्हाइट कलर का कलर कॉम्बिनेशन हमने दिया है, जो कि किचन और लिविंग एरिया का पार्टीशन है। देन उसके बाद इधर आपको कॉमन वॉशरूम है, और इस साइड अगेन हमने आपको ग्रास लगा के दिया है आर्टिफिशियल, ऊपर हमने प्यारा सा टोटो दिया है आपको, और इस साइड आपका आ जाता है जैसे कि मैंने बताया कॉमन वॉशरूम। तो चलिए देखते हैं एक झलक आपके कॉमन वॉशरूम की। कॉमन वॉशरूम, और आपने ये वाला भी वॉल देख लिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा फ्रंट वॉल, इस साइड जो आपका पड़ता है वो यहाँ पे भी आपको बहुत खूबसूरत सा पैटर्न मिल जाता है। अगेन एक वुड का पैनल मिल रहा है, प्रोफाइल एलईडी लाइट, यहाँ आपको स्प्लिट एसी के लिए वायरिंग हमने दे दी है, और यहाँ हमने कुल्टिंग का काम आपको करके दिया है। यह कुल्टिंग का काम है, उस साइड भी हमने आपको अगेन वुड का पैनल दिया है स्विच बोर्ड के साथ, कि अपना फ़ोन वगैरह आप वहाँ पर चार्ज में लगा सको जब आप अपने लिविंग एरिया में बैठे हुए हो। उसके बाद अब बारी है आपके फॉल सीलिंग की, क्योंकि फॉल सीलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके घर को सुंदर दिखाने में। तो यहाँ हमने बहुत ब्यूटीफुल सा आपको पैटर्न बना के दिया है, एलईडी लाइट्स, कॉब लाइट्स का वर्क किया है, साथ में बीच में हमने बहुत ब्यूटीफुल सा आपको शैंडेलियर लगा के दिया है। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत सा झूमर दे रहे हैं हम आपको, दो फैन भी प्लेस करके दे रहे हैं। तो ये आपकी फॉल सीलिंग हो गई, जो कि बहुत ही अमेजिंग और ब्यूटीफुल थी, और ये रहा आपका लिविंग एरिया जिसे कि आपने देखा। तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ आपके मॉड्यूलर किचन की तरफ, जो इस साइड है, और मैंने पार्टीशन इसके बाहर का तो दिखाई दिया, तो चलिए मेरे साथ। फ्लोरिंग आपको सेम मिलने वाली है, और यहाँ पे आपको बहुत ही अमेजिंग सा किचन मिल रहा है, बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, और साथ में बहुत ब्यूटीफुल से इंटीरियर के साथ। अगर आप देखोगे हमने क्रीम एंड वाइट कलर का कलर कॉम्बिनेशन रखा है। तो यहाँ आपको मिल जाते हैं ड्रॉल्स, जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, आपके स्पाइसेस वगैरह आराम से आ सकते हैं। इधर भी हमने ड्रॉल दिया है, यहाँ एक हमने छोटा सा ओपन सेल्फ आपको बना के दिया है, वेंटिलेशन के लिए बहुत बड़ी सी विंडो दी है, यहाँ पे थोड़ा सा काम बाकी है, वेंटिलेशन के लिए विंडो दे दी है। यहाँ पे अगेन आपको आरओ के लिए स्पेस दे रहे हैं हम, यहाँ पे आप अपना आरओ लगा सकते हैं। नीचे हमने सिंक एरिया दिया है, आप यहाँ बर्तन वगैरह धो सकते हैं, फिटिंग सारी हम करा के दे रहे हैं। तो ये देखा जाए तो आपका सिंक एरिया अलग है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ हम आपको चिमनी दे रहे हैं, और चिमनी के साथ नीचे के टाइल्स आपको प्रॉपर ब्लू वाइट कलर में, और ये वाला आपको ब्लैक एंड व्हाइट कलर के पैटर्न के साथ दे देते हैं। स्लैब एरिया जो है आपका रहने वाला है मार्बल के टाइल्स का, बहुत ही अमेजिंग सा टाइल्स यूज़ किया गया है। यहाँ आपको मिल जाता है ड्रॉर्स, नीचे के कैबिनेट्स, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ तो नॉर्मली अंदर के पूरे कैबिनेट जो होते हैं वो लकड़ी के यानी कि वुड के बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ अलग है, हमने अंदर जो काम किया है वो पत्थर का किया गया है, यानी कि पूरे पत्थर से ड्रॉर्स बना के देन हम उसके ऊपर हमने ये ड्रॉर्स प्लेस किया है, जिसके वजह से आपका काफ़ी लंबे समय तक ये चीज़ चलने वाली है, बहुत अमेजिंग सी चीज़ होती है ये। तो इस साइड हमने अगेन आपको वाइट कलर के टाइल्स का काम करा के दिया है, दो दो स्विच बोर्ड दिए हैं, और सीलिंग देखा जाए तो सीलिंग पे हमने खूबसूरत सा लैंप लगा के दिया है, और ऊपर आपको एलईडी लाइट्स एंड कॉब लाइट्स भी दे ही रहे हैं। तो ये था आपका बहुत ही अमेजिंग सा किचन जैसा कि आपने देखा। देन ऊपर आपको गैन फोकस लाइट का काम मिल रहा है, बहुत ही अमेजिंग सा वर्क हम आपको करके दे देते हैं जैसा कि आप देख ही रहे हैं। तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ आपके फर्स्ट बेडरूम की तरफ, जो कि इस साइड है। तो जो आपका फर्स्ट बेडरूम भी रहने वाला है बहुत ज़्यादा अमेजिंग इंटीरियर के साथ है, स्पेशियस है। तो सबसे पहले अगर हम बेड एरिया की बात करें तो यहाँ हमने दिया है आपको किंग साइज़ का बेड, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ किंग साइज़ का बेड लगा के दिया है। दोनों साइड हमने साइड टेबल्स आपको दी है, वो अमेजिंग इंटीरियर के साथ। ऊपर हमने बहुत खूबसूरत सा लैंप आपको लगा के दिया है, सीरियसली बहुत अमेजिंग लैंप है। देन यहाँ हमने प्रॉपर वुड का काम किया है, जिसके ऊपर हमने प्रोफाइल
लाइट लगाई है, जैसे कि आप देखोगे आपको यहाँ से लेकर सेम वर्क मिल जाता है ऊपर तक। और उसके बाद यहाँ की बात करूँ तो यहाँ आपको मिल जाता है बहुत ही अमेजिंग सा एक वर्क, जिसको हम ये बनाया गया है और ये जो आप इसको करोगे फील होता है। तो बहुत ही खूबसूरत सा वर्क हमने आपको बेड एरिया के ऊपर में दिया है, तो बहुत ही खूबसूरत सा आपका बेड एरिया हमने यहाँ डिजाइन करके दिया है आपको, जिसके आप देख रहे हो। इस साइड आपका अटैच वॉशरूम है जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, सारी की सारी फिटिंग्स हम आपको करा के दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं झलक आपके अटैच वॉशरूम। अब आ जाता है वेंटिलेशन की बात, तो वेंटिलेशन के लिए हम यहाँ पे आपको विंडो दे रहे हैं, ऊपर विंडो एसी के लिए स्पेस दे रहे हैं। तो ये विंडो आपकी बाहर बालकनी से अटैच है, तो बहुत ही अमेजिंग सी बात है, आपके घर में हवा रोशनी सब आने वाली है। तो इस साइड आपको मिल जाता है आपका टीवी पैनल, जैसे कि आप देख रहे हैं ब्राउन एंड व्हाइट कलर के कलर कॉम्बिनेशन के साथ नीचे ओपन सेल्फ बनाया गया है, ऊपर आप टीवी प्लेस करते हो, ऊपर फोकस लाइट है और टीवी के जस्ट बैक साइड हम आपको लगा के दे रहे हैं एलईडी लाइट्स ब्लू कलर की, जिसकी वजह से और भी प्यारा लग रहा है। तो चलिए एक और चीज़ आपको मैं दिखाती हूँ जो कि इस साइड है। तो यहाँ आपको मिल रहा है आपका ड्रेसिंग एरिया जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हमने फुल लेंथ मिरर के साथ आपको ड्रेसिंग टेबल दिया है, नीचे हम आपको ड्रॉल्स भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको स्पेस की कमी हो, तो हमने ड्रॉल भी दी है जहाँ पे आप अपना मेकअप वगैरह रख सकते हैं। यहाँ आपको सारे स्विच बोर्ड्स मिल रहे हैं, फुल लेंथ मिरर है अगर आप देखोगे तो ऊपर से नीचे तक बहुत ज़्यादा अमेजिंग और बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। इस साइड हमने स्लाइडिंग डोर की अलमीरा आपको दी है, जिसमें आप अपने कपड़े वगैरह रख सकते हो, बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। और स्लाइडिंग डोर की बात ही अलग होती है क्योंकि वो स्पेस कम लेती है, सबसे बड़ी बात ये है और आजकल ट्रेंड में भी चल रही है। देन उसके बाद अब बारी है आपके फॉल सीलिंग देखने की। तो फॉल सीलिंग अगेन बहुत ही खूबसूरत से पैटर्न के साथ आपको मिल रहा है, ब्लू एलईडी लाइट्स, व्हाइट एलईडी लाइट्स और साथ में आपको कॉब लाइट्स और येलो एलईडी लाइट्स, तीनों का काम मिल रहा है। बहुत ही अमेजिंग और ब्यूटीफुल सा पैटर्न आपको मिल जाता है आपके फॉल सीलिंग के ऊपर। तो ये था आपका फर्स्ट बेडरूम, अब बारी आपके सेकंड बेडरूम की देखने की जो कि इस साइड है। तो आइए मेरे साथ। ये आपका सेकंड बेडरूम रहने वाला है, अगेन बहुत ज़्यादा स्पेशियस, ये वाला बेडरूम शायद उससे ज़्यादा स्पेशियस आपको मिलने वाला है। तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग और ब्यूटीफुल आपको ये इंटीरियर मिल जाता है इस बेडरूम का। किंग साइज़ का बेड मिल रहा है, कुल्टिंग का काम मिल रहा है, कुल्टिंग के काम के ऊपर अगेन आपको एक बहुत खूबसूरत सा वर्क मिल रहा है जिसको आप फील कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न आपको मिल जाता है। दोनों साइड अगर आप देखोगे तो एक हमने वुड का पैनल बनाया है जिसके ऊपर आपको कॉपर का वर्क, देन फिर एक मिरर मिल जाता है, फिर अगेन आपको वुड मिल रहा है। बहुत ज़्यादा अमेजिंग और खूबसूरत पैटर्न दोनों साइड आपको मिल जाता है, साइड टेबल के साथ मिल रहा है, साइड टेबल भी बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन किया गया है, दो लैंप हम आपको लगा के दे रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत ही खूबसूरत सा लुक ओवरऑल आने वाला है आपका इस रूम का, जैसा कि आप देख रहे हैं, क्योंकि आपका जो बेड एरिया होता है उसको ऑफकोर्स सुंदर दिखाना होता है, तो हमने ये ब्यूटीफुल से इंटीरियर के साथ आपको ये बेड एरिया आपका दे दिया है। विंडो दे रखी है हमने आपको वेंटिलेशन के लिए, तो यहाँ विंडो भी आपको मिल रही है जैसे कि आप देख रहे हो, कर्टन्स वगैरह भी हम आपको लगा के दे रहे हैं, ऊपर आप विंडो एसी लगा सकते हैं। और ये आपकी बालकनी है जहाँ हमने फ्लावर भी लगाए हैं, तो चलिए देखते हैं एक झलक आपकी बालकनी की। तो ये देख लिया आपने बालकनी और अब बारी है टीवी पैनल की। तो इस साइड हम आपको दे देते हैं टीवी पैनल, जैसे कि आप देख रहे हैं, फिर अगेन सेम पैटर्न है जो आपको फर्स्ट बेडरूम में मिल रहा था, ओपन सेल्फ, ऊपर टीवी पैनल, ऊपर आपको फोकस लाइट के साथ मिल जाता है। तो अब बारी है आपके फॉल सीलिंग देखने की। तो फॉल सीलिंग पे अगेन आपको मिल रही है एलईडी लाइट्स, कॉब लाइट्स का काम बहुत ही खूबसूरत से पैटर्न के साथ, बहुत ज़्यादा अमेजिंग और ब्यूटीफुल पैटर्न आपको फॉल सीलिंग में देखने को मिल जाता है। ब्लू एलईडी लाइट होने के कारण और भी प्यारा सा लुक आ रहा है। तो ये था आपका सेकंड बेडरूम, अब मैं आपको लेके चलती हूँ आपके थर्ड बेडरूम की तरफ। तो आपने फर्स्ट बेडरूम देख लिया, सेकंड बेडरूम देख लिया, तो अब बारी है आपके थर्ड बेडरूम देखने की जो कि इस साइड आपको मिल जाता है। तो ये आपका थर्ड बेडरूम रहने वाला है, बहुत ज़्यादा स्पेशियस और बहुत खूबसूरत से इंटीरियर के साथ। जी हाँ, तो इस रूम में भी आपको बहुत ज़्यादा स्पेस मिलने वाला है, किंग साइज का बेड हमने लगाया है, ऊपर हम कोल्टिंग का काम दे रहे हैं, वुड का पैनल दे रहे हैं, बहुत ही प्यारा सा प्रोफाइल एलईडी लाइट के साथ। तो दोनों चीज़ आपको मिल जाती है, बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न दोनों साइड अगेन हम आपको साइड टेबल्स दे रहे हैं, तो साइड टेबल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्विच बोर्ड भी दे रहे हैं और ब्यूटीफुल सा लैंप भी लगा के दे रहे हैं। जी हाँ, दोनों साइड आपको बहुत ही खूबसूरत सा वर्क मिल जाता है। और इस साइड आपको मिल जाती है स्लाइडिंग डोर्स के साथ अलमीरा, जी हाँ, बहुत ही स्पेशियस अलमीरा आपको यहाँ पे मिल रही है। देन इस साइड हम आते हैं तो यहाँ आपको मिल जाता है फिर से फुल लेंथ मिरर के साथ ड्रेसिंग एरिया, जैसा कि आप देख रहे हैं, यह आपका ड्रेसिंग एरिया हो गया और इसको आप एज ए अपना
स्टडी कॉर्नर अपना स्टडी टेबल के रूप में यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सा ये वाला स्पेस हमने निकाला है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सा स्पेस आपको इस रूम में भी मिल जाता है। तो अब देखते हैं आपकी फॉल सीलिंग। तो फॉल सीलिंग अगेन आपको बहुत खूबसूरत से पैटर्न के साथ मिलेगी, व्हाइट कलर की और ब्लू कलर की LED लाइट्स लगाई गई हैं। बहुत खूबसूरत सा पैटर्न है और कॉब लाइट्स का भी काम किया गया है। तो बहुत ही खूबसूरत सा ये थर्ड बेडरूम आपको मिल जाता है। तो यही खत्म होता है आपका ये 100 गज में बना हुआ 3 BHK फ्लैट। अब मैं आपको दिखाऊंगी 2 BHK का फ्लैट भी, तो बहुत ही अमेजिंग सा है। तो नेक्स्ट वीडियो का भी वेट कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे आपके लिए 2 BHK फ्लैट इसी वाले फ्लोर पे जो सामने जस्ट बना हुआ है, तो बिल्कुल देर ना करिए। तो अगर इन्फॉर्मेशन की अगेन बात करें तो आपको बिगेस्ट मॉल के पास में ये फ्लैट मिल जाता है, डिस्ट्रिक्ट पार्क मिल रहा है, स्कॉन टेम्पल मिल रहा है और साथ में मेट्रो स्टेशन 14 भी मिल रहा है, द्वारका 14 भी मिल रहा है। बहुत ही खूबसूरत इंटीरियर मिल रहा है इस 3 BHK के अंदर। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग प्राइस है जो आप विश्वास नहीं कर सकते, ऐसे प्राइस पर आपको फ्लैट मिलने वाला है। तो जल्दी जल्दी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और जल्दी से इस फ्लैट को बुक कराइए। तो मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड स्टे सेफ।